गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मॉनसून का फोर्थ डे। आज है 29 जून और सुबह के बज रहे हैं 10 और 27 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है, कितनी डार्कनेस क्रिएट हो रखी है यहाँ पे, और ये हिल टॉप पे पूरा फॉग आया हुआ है। सो जब तक मैं यहाँ पे हूँ अपने घर पे, तो लगातार आपको यहाँ से वेदर का अपडेट और मसूरी के पहाड़ों का व्यू मैं लगातार देता रहूँगा। अब तो घूमने का टाइम है, आप कभी भी आइए, घूमिए अपनी फैमिली के साथ, धनोल्टी जाइए और या चकराता जाइए, आप इधर घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं आज शरद जी से मिलने आया था, ये इलाहाबाद से हैं और यहाँ पर इन्होंने बहुत पहले प्लॉट लिया था देहरादून में, जिसका रास्ता ये है। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, थोड़े दिन में ये बन जाएगा। तो इनका घर, इन्होंने मतलब 1000 गज ली थी यहाँ पे, हेलीपैड ये देखो, 1000 मीटर देहरादून का हेलीपैड। अच्छा 1000 मीटर, तो एक्चुअली इनका हॉस्टल है इलाहाबाद में और वहाँ पे कोई बच्चे पढ़ते थे जिनके यहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स के द्वारा ये देहरादून घूमे। 2006 की बात है ना, 2000 हाँ लिया था, 2006 में लिया था। अच्छा अरे वाह, और आए थे यहाँ 2001 में बच्चे का एडमिशन। हाँ। अच्छा आपके बच्चे का भी एडमिशन यहाँ पे हुआ था। अच्छा वो किस स्कूल में पढ़े? एक कर्नल ब्राउन पढ़ा लड़का। अच्छा लड़की होप टाउन में पढ़ी है। अच्छा होप टाउन, ठीक है। एक होप टाउन उधर भी है, सेलाकुई की तरफ। वही। अच्छा वही वाला, वो तो बाद में खुला है, जिसकी फीस 12 लाख हो गई है। अच्छा अब 12 लाख होगी, 12 लाख साल की। उस वक्त चार लाख की थी। ओह माय गॉड भाई, इतनी तो वुडी स्टॉक की है। वुडी स्टॉक की मतलब 17-18 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए ऐसा कुछ है। काफी, मैं तो गया हूँ होप टाउन को, तो बिल्कुल लास्ट में पेट्रोल मिनिस्ट्री के सामने। अच्छा तो इनका ये रोड है जो कि इनके घर तक आ रहा है, बिल्कुल देखो वहां से सामने, बस थोड़ा सा हल्का सा इसमें कुछ रह रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये अपना प्लॉट भी काट देंगे और कुछ पोर्शन सेल आउट भी कर देंगे। ये देखो शरद कुमार जी, बाकी ये एक एक यूनिट बनाने का प्लान था हमारा। अच्छा यहाँ पे पहले ये एक एक यूनिट बना रहे थे, ये तो इस तरह से लग रहा है जैसे कैंप बनते हैं। अच्छा ये सैंपल ही बन रहा था ये। अच्छा इस तरह से बना रहे थे आप? रोक दिया मैंने। अच्छा कुछ वजह रही है वो बता नहीं सकता मैं। नहीं समझ गया, देखो इस तरह से बना रहे थे ये, मतलब इसका फाइबर का बोलेंगे या पैनल वगैरह का, यहाँ पे छह, फिर इन्होंने रोक दिया था किसी वजह से। ये पूरा ये देखो सवा बीघा जमीन है पूरी, और ये 143 में आती है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर है। सो ये वाला पोर्शन इन्होंने बना रखा है, एक रूम ये है, एक वॉशरूम, और ये हॉल मान लो, ये किचन है। ये इसको क्या बोलेंगे, स्टोर रूम? ओपन रखा था मैंने, बंद कर दिया। तो ये एक बाथरूम ये हो गया, वॉशरूम। हाँ इधर से पूरा सनसेट दिखाई देता है। हाँ वो देखो हेलीकॉप्टर भी उधर खड़े हैं, मतलब आप समझ जाइए उसके बैक वाला एरिया है। सो दोस्तों मैं यहाँ रूफ पे आया था, रूफ से व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि देहरादून में मैं कहीं भी जाता हूँ तो रूफ से व्यू जरूर दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरे पहाड़ दिख रहे हैं उस तरफ, इवन मसूरी तो दिख नहीं पा रही है क्योंकि मैं भी इधर ही जाता हूँ बिल्कुल बराबर में, जो मेरे घर से व्यू आता है अप्रोक्स वैसा ही व्यू आ रहा है यहाँ से। ये पूरा हेलीपैड, ये देखो यहाँ से हेलीपैड दिख रहा है, हेलीकॉप्टर खड़े हैं। एक्चुअली अब ना मौसम ख़राब है तो अभी यात्रा के हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे हैं, इनका एक टाइम होता है, अभी मॉनसून में नहीं चलेंगे, फिर ये अक्टूबर में दोबारा से चलने चालू हो जाएंगे। मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। वो देख लो सामने रोड है, मुझे भी अपनी वहाँ पर स्कूटी पार्क करके आनी पड़ी इस तरह से, थोड़े दिन में ही रास्ता खुल जाएगा, फिर तो ये वाली प्रॉपर्टी भाई शरद जी या तो फिर मतलब इसको सेल आउट, इसको सेल करेंगे या इधर कुछ बनाएंगे या फिर प्लॉटिंग करेंगे, जैसा भी होगा भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा। भाई आम देखो, ये आम कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब इसकी ये वाली प्रजाति अलग है, जो हमारे घर के सामने पैसिफिक गोल्फ के किनारे आम है ना, वो बहुत बड़ा है, इतने छोटे छोटे आम आते हैं वहाँ पे, ये काफ़ी स्वादिष्ट भी होंगे। दोस्तों जिसका ये बाग है ना, देखो कितना बड़ा बाग है और घर कहाँ पर है सामने, तो वहाँ से जीने से नीचे उतरते हैं अपना, वो घर है, वो मेन रोड है उसके उस तरफ, और नीचे आते हैं और ऐसा बाग में घूमो, इस तरह से भी लोगों ने अपना बाग बनाया है भाई शहरों के अंदर। ठीक है शरद जी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और आज ये अभी देवप्रयाग जा रहे हैं, वहाँ पे वो बहुत अच्छा है, मतलब संगम बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे स्नान भी करेंगे आप, है ना? हाँ मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे एक दो स्टे है ना। ठीक है मिलते हैं। ओके ओके। हेलो दोस्तों बैक टू होम, और शाम के बज रहे हैं 4, और भाई यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही है देहरादून में, और अजीब ही टाइप का फिनोमेना क्रिएट हो रहा है। ये सामने देखो आप, सामने क्या है कि ये पूरा धूप आया हुआ है यहाँ पे, इस वाले पहाड़ पे ये पूरी धूप आई हुई है, और यहाँ पर भी धूप आई हुई है पहाड़ पे, यहाँ पे और बाकी पहाड़ पे बिल्कुल डार्कनेस है, और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। वो मंदिर देखो सामने, कल जब मैं राहुल भाई के साथ यहीं पे गया था सरकुंडा देवी माता मंदिर पे ट्रैक करके,
मस्त हवा चल रही है, मुझे लग रहा है बहुत तेज बारिश आने वाली है। ऊपर देखिए काली घटाएं। सो दोस्तों, जस्ट थोड़ा सा एक टाइम बीता था और यहाँ पर आ चुकी है बारिश, और बादल देखो कितनी तेज जा रहे हैं, देख रहे हैं, टाइम लैप्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो मसूरी वाले पहाड़, और यहाँ पर कुछ विवाद चल रहा है, जो शायद ये SDM या DM आए होंगे, पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले कितने सारे खड़े हैं, पेपर वगैरह ले रहे हैं। एक्चुअली यहाँ विवाद चलता रहता है, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये पुस्ता देख रहे हैं, पुस्ते के ऊपर चल रहा होगा, कहीं लोगों ने नाले कब्जा लिए, कहीं कुछ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है इधर एक बस्ती भी है, बस्ती को तोड़ने आए हो आगे की तरफ, प्लानिंग कर रहे हो कुछ। आजकल ना बस्ती बहुत टूट रही है, नालों के किनारे काफ़ी बस्ती बसा रखी है, तो कोर्ट के आदेश है ना, सब तोड़ रहे हैं सब। ठीक है दोस्तों, शाम के 7 बज रहे हैं और अभी थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, मैं, लक्ष्मी, मम्मी, कभी कभी मौका मिलता है तो मार्केट शॉपिंग करने चले जाते हैं। और 8 बजे आज मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, देखते हैं कौन जीतेगा, अब तक घर आते हैं। ये जो स्पाइस ऑफ दिल्ली वाले हैं, इन्होंने स्क्रीन भी लगाई हुई है, और वो इन दीदी की सिस्टर भी आई हुई है, फैमिली आई हुई है, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है, आ जाना। सो दोस्तों, प्रेरणा स्टोर से शॉपिंग तो कर ली है। सो दोस्तों, घर के पास आया था कुछ सामान खरीदने, दूध वगैरह, तो ये भी मिल गया, मेरे पीछे आ गया कि इसको बिस्कुट मिलेगा, अब इसके लिए भी मैंने बिस्कुट ले लिए हैं। सो कुछ लोगों को गलत फहमी होगी कि आई एम नॉट ए डॉग लवर, तो आई एम ए डॉग लवर। डरना अलग बात है डॉग से, और डॉग लवर अलग चीज़ है, और एक टॉक्सिक डॉग लवर होते हैं, वो मैं नहीं हूँ। अगर कोई गलती करता है तो पिटाई भी लगती है, अगर ये गलती करेगा तो इसकी पिटाई भी लगेगी, और इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा, नगर निगम से भी पकड़वाया जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है, पहले ये बहुत खतरनाक था लेकिन फिर अच्छा बन गया। एक वो बैठी है। तो दोस्तों, बैक टू होम, और लक्ष्मी ने डिनर तैयार कर दिया 9 बज के, और सामने इंडिया और अफ्रीका का मैच चल रहा है। यमुना आंटी भी आई हुई हैं, सब बैठे हैं। बाकी आज लक्ष्मी ने क्या बनाया ये देखते हैं। आलू बैंगन। अरे वाह, आलू बैंगन, देखते हैं कैसे बने हैं, जल्दी दे दो, बस मैं रुका नहीं जाता। कैसे बनाया तुमने आलू बैंगन, कैसा स्वाद है इनका? टेस्ट होके देखना, पता चलेगा। बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसका तो अच्छा लग रहा है, मुझे खा के देखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बैंगन खा के देखते हैं हम। ये जो रोटी है काले गेहूँ वाली है, जो मौसा जी की यहाँ से आई है, ये तो पहली बार खा रहा हूँ मैं। चलो ये खा के देखता हूँ कैसी लगती है। अच्छी लग रही है, है ना? अच्छी लग रही है। और भाई ये भी बहुत अच्छी लग रही है, सब्जी भी अच्छी लग रही है। थैंक यू। पता है मैं आज मना करने वाला था, सब्जी नहीं खाते बाहर की, बैंगन, तो ये अच्छा हुआ। आंटी के यहाँ के हैं, फिर तो स्वाद लगेंगे भाई। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 30 जून, सुबह के बज रहे हैं 9:30, और टेम्परेचर हो रहा है 28 डिग्री। आजकल टेम्परेचर यही है 27-28, और भाई टेम्परेचर ज़रूर इतना है लेकिन ह्यूमिडिटी ना होने के कारण बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अगर हम ग्रिल को भी छुएंगे, ना गर्म है ना ठंडी है, धूप कभी आ रही है नहीं आ रही। वैसे 5वां दिन है आज, क्योंकि आज 30 तारीख है, 26 तारीख से मानसून आ गया था, 26, 27, 28, 29, 30, और 5वां दिन होने की वजह, पाँच दिन से तेज़ धूप बिल्कुल नहीं निकली है, पूरा डार्कनेस क्रिएट रहता है। और ये मसूरी वाले पहाड़ देखो कितना फोग आया हुआ है आज भी, ये देखो कितना फोग आया हुआ है, कितना बेहतरीन मौसम है। लक्ष्मी, तुम पूजा कर रही हो? मैं पूजा कर रही हूँ। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये जो अगरबत्ती लाई हो ना तुम, ये भी लाई हो तुम? हाँ, सारी मैं ही लाई हूँ। सब सब सबकी अच्छी खुशबू है, सबकी। भाई कितने सारे ब्रांड है, एक ही है जेड ब्लैक, सब अलग अलग ब्रांड भी आई है। ये तो जेड ब्लैक वाला हो गया, चलो जो सबसे बेस्ट हो ना वो बताना, फिर वही लाया करेंगे हमेशा। इसमें सारे बेस्ट चुन के लाई हूं मैं। अच्छा, सारे एक बहुत अच्छा है। इसकी नाक बहुत तेज है भाई, सूंघ सूंघ के सब बढ़िया ले आई। ब्रेकफास्ट में क्या दे रही हो? देखते हैं, देखते हैं। ये लाई भाई, ये कल ये बर्गर लाई, इनकी रेट तो फिर भी ठीक है, तो फ्रेश लग रहे हैं, पर ये कुलचे की 2-3 दिन निकल गई। मैं इससे बोल रहा हूँ देख के लाया कर, आज 30 तारीख है और इसमें 25 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं तो यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ, और लक्ष्मी को देखो बार बार, पता क्या आती है, मसूरी देखो, मसूरी देखो, चलो 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 मसूरी देखो, कितनी प्यारी लग रही है। चलो तो भाई मसूरी देखते हैं, चलो देखते हैं मसूरी कैसी लग रही है आखिर, देखो अलग ही मौसम हो गया बिल्कुल। ये देखो, मतलब रोशनी भी हो रही है और पूरा फोग भी है, ये देखो। इससे भी खतरनाक होता है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक होता है। एक्चुअली लक्ष्मी पहली बार देहरादून का ये मौसम देख रही है ना, तो फरवरी में शादी हुई थी, तो अभी इसने मानसून नहीं देखा, यहाँ की सर्दी भी नहीं देखी और मानसून भी नहीं देखा तुमने, है ना? फरवरी में तो सर्दियाँ थी जब तुम आई थी, पर लेट हो गए थे ना जब, मतलब जा रही थी,
तो इसका पहला ये सीज़न है मानसून का, तो काफ़ी एक्साइटेड रहती है, कह रही देखो मसूरी में क्या हो रहा है। और इस तरफ के पहाड़ देखो भाई, ये दो बिल्डिंगों के बीच में से दिखते हैं ना पहाड़। तुम पैसिफिक की गोल्फ कोर्स में घूमी हो? नहीं घूमी ना अब तक? चलोगी घूमने? टाइम मिलेगा तब चलेंगे। अरे इतना बढ़िया लगता है ना पैसिफिक का। हाँ पैसिफिक का गोल्फ कोर्स भाई बहुत सुपर्ब लगता है, तो इसको लक्ष्मी को लेके जाऊँगा तब ब्लॉग बनाऊँगा पूरा। और यहाँ पर जो सेब है ना दोस्तों, ये पूरे पीले हो चुके हैं अब तो, मेरे ख्याल से खाने लायक हो रहे हैं ये, है ना। हालांकि ये जो सेब है ना इतने स्वादिष्ट नहीं है, थोड़ा कच्चे कच्चे से रहते हैं और कच्चे कच्चे से ही बूढ़े हो जाते हैं ये। हैं बच्चों ने तोड़ दी? कौन से बच्चे? पता नहीं बाहर से किसी ने ये इनकी वो डंडी तोड़ दी। ओह माय गॉड, कब की बात है? कल की? भाई यहाँ भी चोरी होगी। बच्चे हैं यहाँ पे, शरारती बच्चे हैं एक्चुअली। इधर ना लेबर रहती है आसपास और उनको दिख जाता है, या फिर गांव के इधर से आ जाते हैं। बहरहाल कि यहाँ बहुत सुनसान एरिया है, डिप्रेसिंग माहौल है यहाँ, कोई बच्चे बुच्चे नहीं रहते, पर फिर भी वो दूर से कहाँ से आज पता चल जाता उनको। तो एक पूरी टहनी तोड़ ली बाहर से, हालांकि हमारे यहाँ CCTV लगा हुआ है, मैं इसमें देखूँगा तो पकड़े जाएंगे, पर ठीक है ले गए। इन्होंने भी तोड़े हैं काफ़ी सेब तो, है ना, देख लो काफ़ी तोड़ दिए, कुछ ही बच रहे हैं बस ऊपर के। तो और दोस्तों गर्मी में जो यहाँ गार्डन की घास जल गई थी ना, ये देखो पूरी येल्लो होगी, लाल होगी है, तो ये दोबारा से अब वापस ग्रीन होने लग रही है, क्योंकि पिछले 5 दिन से मानसून है, बारिश हो रही है, तो अब इसको भी काफ़ी राहत है और दोबारा से प्रकृति अपना रंग रूप ले रही है। और देखो ये जो प्लॉट खाली थे ना, देखो अब देख लो कितने खाली हैं फिलहाल, अभी देखना कितनी झाड़ी उग जाएंगी इधर भी और पड़ोस में भी, सब जगह पूरा झाड़ी हो जाएगी, मतलब वो दीवार दिखनी भी मुश्किल हो जाएगी। सो दोस्तों भी मार्केट आया था क्योंकि कल ये हमने कुछ कुलचे लिए थे जो कि एक्सपायरी डेट के थे, 3-4 दिन पुराने, तो लक्ष्मी ने भी गलती से उठा लिए, देखा नहीं, तो आज ये स्टोर बंद है, प्रेरणा सुपर स्टोर लास्ट डे ऑफ मंथ क्लोज रहता है, तो इसको तो बाद में चेंज करेंगे हम, रिटर्न करेंगे, बाकी कहीं और से देखते हैं ये मिलते हैं क्या कुलचे। सो दोस्तों शाम के 6:15-6:30 बज रहे हैं और लक्ष्मी मेरे को दोबारा से बुला के लाई कि ये देखो पहाड़ पे कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, ये तो नॉर्मल मौसम है लक्ष्मी, ये तो नॉर्मल मौसम है, अभी आगे देखना कितना होगा, जब जुलाई अगस्त सितंबर में देखना क्या भयंकर मौसम होने वाला, ऐसा भी आएगा कि 2-3 दिन लगातार बारिश है। यहाँ पर देखो दोस्तों गमले भी ग्रीन हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल, ये देखो रेड वाले, अरे ये वाला पत्ता नहीं आया है, सब जगह पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी भरा हुआ है, ये देखो मम्मी ने सब डस्टबिन भी यूज़ कर लिया, ये बाल्टी भी यूज़ कर ली। और दोस्तों देखो मैंने बोला था ना कुछ दिन पहले यहाँ इतनी ग्रीनरी थी, अब देखो कितनी ग्रीनरी होनी चालू हो गई है, अभी देखना वेट एंड वॉच, सिर्फ 1-1.5 हफ्ते बाद और बहुत ग्रीन हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखो 8 बज रहे हैं और बारिश आ चुकी है, लक्ष्मी भीग रही है, इतना मजा आ रहा है ना इसको बारिश में भीगने में, बारिश के फूल मुझे, हमेशा बारिश में तब खड़ा होना चाहिए जब बिजली ना कड़क रही हो, अभी बिजली नहीं कड़क रही ना तो फिर ठीक है, कभी भी बिजली कट गए ना कभी भी बारिश में मत खड़े हो ऐसे, पेड़ के नीचे ना, पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए भाई, मस्त बारिश बस आने लग रही है, तेज काश पड़ जाए, हमारा पेट नहीं भर रहा बारिश से, हमें बहुत बारिश चाहिए। और देहरादून में देखो दोस्तों लगातार क्या, हाँ उस तरफ ज्यादा है, इधर कम हो गई है, अभी आ रही है ना इधर उधर ज्यादा भाग रही है बारिश। लक्ष्मी बहुत अच्छी बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखो दोस्तों ये देखो अभी बिजली नहीं कड़क रही, मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ, भाई देखो क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, दिस इज देहरादून, ये होते मजे नॉर्थ देहरादून के, हिमालयन राज्य के, यहाँ बारिश के तो मजे हैं भाई, इस जगह सबसे ज्यादा बारिश होती है, धमाकेदार बारिश। तो भाई आज ना लक्ष्मी ने बनाए हैं कुलचे, मतलब छोले कुलचे, मुझे इसे डार्क लग रहे हैं और ये कह रही है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा डार्क होते हैं, बस इतना मुझे ना वो नहीं चाहिए ज़्यादा ग्रेवी, मुझे थोड़ा गाढ़े से ठीक लगते हैं, तो मेरे छोला मत निकालो, छोला रख दो बस। और कुलचे कहाँ हैं? कुलचे बनाओगी? एज इट इज़ खाने हैं, ये क्या बोल रही है भाई, एज इट इज़ खाने हैं कुलचे, हाँ इसको गर्म करोगी ना तवे पे, हाँ ठीक है। तुमने जो दाल बनाई थी ना आज वो भी सुपर्ब थी, और कल वाली सब्जी बैंगन वाली वो भी सुपर्ब थी, वो तो खैर घर की सब्जी थी क्योंकि यमुना आंटी के घर से आई थी, और अब देखते हैं अगर तुमने ये भी अच्छी बना दी होगी ना तो ये समझो कि हैट्रिक मार दी तुमने, देखते हैं भाई खा के देखते हैं कैसी बनी है। क्या डाला तुमने इसमें? आजकल तो मसालों का गजब ही स्वाद आ रहा है।
ये ओलिव ऑयल में बनाए हैं? नहीं, ये तो ओलिव ऑयल में। अच्छा मम्मी के ओलिव, हाँ मम्मी के ओलिव ऑयल में बन रहे हैं भाई, हर्ट के लिए ओलिव ऑयल इज द बेस्ट। तो देखते हैं कुलचे कैसे बनाएगी लक्ष्मी। एक्चुअली मैं लक्ष्मी को भी ब्लॉग में लेने की कोशिश करता हूँ ताकि कंटेंट बने फैमिली वाला, और लक्ष्मी के घर परिवार के भी बहुत लोग देखते हैं इसकी, उनकी भाभी की मम्मी भी देखती है ना, भाभी की मम्मी, भाभी के रिश्तेदार, गांव में बहुत लोग देखते हैं। और क्या कह रहे थे कि लक्ष्मी तो मोटी होगी देख देख के, हाँ। और भाई मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं जो लक्ष्मी से मिलना चाहते हैं। हाँ एक तो वो आ गया, पता नहीं कोई वही नहीं, लक्ष्मी आओ खाना खाएंगे इधर उधर, पर मैं नहीं मिलाऊंगा भाई, वो मिलाएंगे अपनी बहू से। भाई अपनी बहू से मिलाओ मुझे मैं भी अपने सब्सक्राइबर को लूंगा, अपनी बहू को लाओ, मैं किसी की बहू से मिलना चाहता हूँ नहीं ना, मुझे तो अपनी बहू से मतलब है। अब लोगों को पता नहीं मेरी बहू से क्या मतलब है, अब ये थोड़ी है ब्लॉग में आ रही है तो भाई लक्ष्मी से मिलना है। भाई बारिश बहुत तेज है और इस बारिश में खाने का अलग ही मजा है, मजा आ गया भाई, सुपर। लक्ष्मी 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 सुनो सुनो, एक बहुत खतरनाक चीज दिखी है मुझे, दिखाऊं क्या? क्या बहुत खतरनाक, ये देहरादून में चलता रहता है, देहरादून में बारिश भी होती है ना ज्यादा, यहाँ जंगल जंगल का इलाका। तो भाई एक मकड़ी तो वहां पे है ही, एक छोटा सा कीड़ा और था, वो अभी उड़ के इसके नीचे चला गया, मेरे बाल में घुसा हुआ था, ये दिक्कत है पता है बारिश में यहाँ पे। दो झाड़ू दो, अरे मारना नहीं है उसको, मैं नीचे उतार दूंगा बस ऐसे।